जानी, चलिए लास्ट वाला पॉडकास्ट अपना कंप्लीट करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद कंडक्टेंस एंड सेल। देखिए सेल के रिस्पेक्टिव अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास बैटरीज की बात आती है, सेल की आती है, फ्यूल सेल्स की बात आती है। तो जब हम बैटरीज की बात करते हैं तो लेड बैटरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर हमारे पास में H2SO4 का कंजम्पशन होता है, PV प्लस PbO2 प्लस H2SO4। तो PbSO4 बना करता है, ठीक है, आपको इसमें पूरी रिएक्शन मैंने बता रखी है, PbO2H2 आपका बना करता है, तो H2SO4 उसके अंदर कंज्यूम हो जाया करता है। ठीक है, ये तो हुआ लेड बैटरी के अंदर। कल को आपसे लैग्रांजे सेट के बारे में पूछ सकता है, और या आपके मर्करी के बारे में सोचता है, या कैडमियम निकल के बारे में पूछ सकता है। तो मर्करी के बारे में मैंने आपको बताया, ZN आपका जी ये सब हुआ करते हैं। इसी तरह से लैग्रांजे सेट के बारे में अगर कभी आपसे पूछता है तो उसमें ZnCl2 और NH4Cl हुआ करता है, ये याद रखेंगे, ZnCl2 एंड NH4Cl। ठीक है, लेड बैटरी में हमारे पास में H2SO4, PbPbO2 ये सब चीज़ें हमारे पास में हुआ करती हैं। फ्यूल सेल के रिस्पेक्टिव एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि हमारे पास में जैसे हाइड्रोजन प्लस O2 वगैरह करके हमारे पास में H2 प्लस O2 फ्यूल सेल कहलाएगा। मीथेन के भी होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे फ्यूल सेल जो पुराने थे वो एथेन मीथेन इनसे ही बनाए जाते थे। तो सब में फ्यूल हमारा क्या होता है, एक इस रूप में निकल करके आता है जिससे कि हमारे पे मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा वहाँ पर अपना ध्यान रखेंगे फ्यूल सेल के अंदर। अब बात आती है कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस के रिस्पेक्टिव जब हम बात करते हैं तो कंडक्टेंस में एक जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये हुआ करती है कि कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% आयनाइजेशन के रिस्पेक्टिव हुआ करती है। मोलर कंडक्टेंस होती है और आपके साथ में हुआ करती है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। उसमें आपको बताया हुआ मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, कापा 1000 अपॉन मोलरिटी होगा, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे तो कापा 1000 अपॉन नॉर्मलिटी होगा। नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी बराबर फैक्टर होता है, तो इसी तरह से कंडक्टेंस भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो जाया करते हैं। ठीक है, अब अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम वी की कंडक्टेंस अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टेंस, ये अल्फा के रेस्पेक्टिव हुआ करता है, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस तो आपको करते रहनी है, लेकिन ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ करते हैं उनकी कंडक्टेंस बहुत माइल्यूट लेवल पे चेंज हुआ करती है डाइल्यूशन से, ठीक है, डाइल्यूशन से बहुत माइल्यूट लेवल पे होती है लेकिन होती है। इसी तरह से उसके अंदर सेल कॉन्स्टेंट आया करता है, और सेल कॉन्स्टेंट के लिए भी हमने आपसे एक बात बताई थी कि जो सेल कॉन्स्टेंट आपका हुआ करता है वो एल अपॉन ए करके होता है, वो हमेशा बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, उसका भी डाइल्यूशन के ऊपर इफेक्ट हुआ करता है। वैसे हम उसकी वैल्यू कांस्टेंट लेंगे लेकिन डाइल्यूशन से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी है इतना, और ये तीन पॉडकास्ट मैंने अपने कंप्लीट किए। आई प्रॉमिस टू यू कि मैं तुम्हें पॉडकास्ट के थ्रू ये चीज़ पूरा रिवाइज कराऊंगा। सो माय प्रॉमिस इज फुलफिल्ड, नाउ इट्स योर मतलब जिसे क्या बोलते हैं, योर टर्न, छोटे बच्चे बोलते हैं ना, अब तुम्हारी बारी है, ठीक है, फोड़ करके आना है, फोड़ दो। All the best, yaar.